नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई घटना के बाद ही कानपुर पुलिस प्रशासन की लापरवाही से विठूर में एक और मस्जिद गिराई गई। अभी 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मस्जिद को देश के दुश्मनों ने और सद्भाव को बिगाड़ने वालों ने एक मस्जिद को गिराया था, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई थी और कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद शासन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिराई गई मस्जिद को पुनः बनाया था तथा देश के दुश्मनों को गिरफ्तार किया। अभी ये आग ठंडी नहीं हुई थी कि कानपुर के विठूर में इन्हीं देश के दुश्मनों ने एक मस्जिद को गिराया और मस्जिद की दीवारों पर रंग लगाकर आग लगाने की कोशिश की गई। अफसोस की बात यह है कि कानपुर शहर में 11 बजे काजी हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे को घटना हुई थी और एक भी सर काजी नहीं पहुंचा। शाम को 6 बजे तक मौके पर पहुंची थाना विठूर की फोर्स, जिन्होंने बताया कि मस्जिद से 500 मीटर दूरी पर थाना विठूर है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई खबर लिखने तक के मौके पर नहीं पहुंचे। काजी मिसवाही ने बताया कि हमने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट से कराकर मस्जिद को अपने पुराने स्वरूप में लाते हुए देश के दुश्मनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए। यह देखना है कि खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आता है या किसी बड़ी घटना का इंतजार करता है। नहीं है, तकरीबन 150-200 लोग थे और जिन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। मस्जिद का बोर्ड तोड़ दिया गया और मजार में भी तोड़फोड़ गई, काफी सामान था जो जलाया गया, जो जानवा जानवा थी जलाई गई, जो जानवाजे थी नमाज पढ़ने वाली वो जानवाज भी जला दिए और जो उसने अल्लाह मोहम्मद लिखा था वो पत्थर भी उखाड़ के फेंक दिए गए। और जो मस्जिद में जो ये सब जमा हुआ था, क्या नाम इसका, ये पत्थर लगा हुआ था मस्जिद का भी उखाड़ के गंगा जी में फेंक दिया गया और मीनार भी तोड़ी, ट्रैक्टर से बांध के मीनारें खींची गई हैं, तो मीनारें नीचे पड़ी हुई हैं, ढही हुई सब। क्या आपको किसी को मालूम है, जानकारी किसी के नाम तहरीर दी गई है? तहरीर तो कोई नहीं दी गई है अभी। बजरंग दल के लोग थे, कुछ नाम जी नाम मालूम है? बताइए। एक का तो अनुज नाम है, अनुज मेन है, और एक है श्याम। श्याम किस पर नाम, श्याम क्या है, श्याम के आगे श्याम उर्फ अभिषेक। अभिषेक जी ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिठूर के रहने वाले हैं, ब्रह्मावर्त के। तो क्या इनको मालूम नहीं था कि इनको सब मालूम था, लेकिन ये सियासत है। ये बजरंग के लोग तो तकरीबन 150-200 लोग थे जिन्होंने ऐसा किया जी, कब्जा करना चाहिए। ये मस्जिद नहीं है, मजार नहीं है। कितनी पुरानी है? तकरीबन 600-700 साल पुरानी होगी। ये यहाँ पर क्या मंदिर बनाना चाह रहे हैं? ये मंदिर का यहाँ ये कहते हैं समाधि, मूर्ति उर्ति लेके आए, कई बार लेके आए हैं, लेके भी यहाँ रखने की। इससे पहले भी विवाद हो चुका है जी। तो मतलब जो बजरंग वाले हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर ना कोई मजार है ना कोई मस्जिद है, तो यहाँ पर क्या ये मतलब मंदिर बनाना चाहते हैं? ये मंदिर कह रहे हैं, अब ये उनकी मानसिकता, मंदिर ही बनाना चाहते होंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।